गाइज, ये जो ऐसी मूवीज होती हैं जो कि रियल लाइफ इंसिडेंट्स के ऊपर बेस्ड होती हैं, ये मूवी कहीं ना कहीं दिल को बहुत अच्छी तरीके से टच करती हैं। ऐसी ही मूवी है मैदान, जो उसकी अभी जल्दी रिलीज हुई। अजय देवगन साहब एस ए रहीम नाम के व्यक्ति के तौर पर नजर आएंगे, जो कि इंडियन फुटबॉल टीम के कोच दिखाए गए हैं, जिनकी लाइफ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए हैं, जिसकी वजह से उनको काफ़ी कुछ झेलना पड़ा है। उनकी वजह से, ऐसा बोला जाता है मूवी के हिसाब से, कि उन्हीं की वजह से हमको एक गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ है ओलंपिक्स के अंदर, मतलब एशियन गेम्स के अंदर 1962 में। तब से लेकर के अब तक फुटबॉल की कैटेगरी के अंदर हम लोग कुछ भी नहीं जीत पाए, इवन क्वालिफाई तक नहीं कर पाए ओलंपिक के लिए। मैं बात कर रहा हूँ मैदान मूवी के बारे में। इस मूवी के अंदर काफी एक अलग अलग एंगल्स नजर आते हैं। अमूमन हम ऐसा देखते हैं कि स्पोर्ट्स वाली मूवी होती है या फिर गेम को रिप्रेजेंट करने वाली मूवी होती है, तो वो सिंपली एक गेम की तरफ ही फोकस कर रही होती है या फिर टीम की तरफ फोकस कर रही होती है। इस मूवी के अंदर कुछ नया एक पॉलिटिकल एंगल आपको नजर आएगा। यू माने तो ऐसे समझो, इस वाली मूवी को हम बोल सकते हैं कि चक दे इंडिया पार्ट टू। मतलब जिस तरीके के गूज़बम्प्स आपको चक दे इंडिया देखने के बाद आए हैं, वैसे ही गूज़बम्प्स हो सकता है आपको इस मूवी के अंदर भी आए। वहां पर हॉकी था, यहां पर फुटबॉल है। उसमें गर्ल्स की टीम थी, इसमें बॉयज की टीम है, पर ऐसी टीम बनाई, पूरे इंडिया को कलेक्टिवली बना करके बिठाया ताकि हम गोल्ड मेडल जीत पाए। एक अलग सी स्ट्रेटजी। फुटबॉल कोई छोटा मोटा गेम नहीं है, पूरे वर्ल्ड में काफी विकसित गेम है। मतलब हम लोग तो क्रिकेट को जानते हैं भाई साहब, यहाँ बस क्रिकेट क्रिकेट का हल्ला चलता है, पर वर्ल्ड के अंदर फुटबॉल का भी बहुत ज्यादा नाम है। पर फुटबॉल के अंदर हम लोग, मतलब इंडियंस, बहुत ही पीछे हैं। इस बात को हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। सुनील छेत्री साहब एक अकेला व्यक्ति है जिसने फुटबॉल के नाम को जिंदा करके रखा हुआ है। हैट्स ऑफ टू हिम कि भैया वो अभी तक इस चीज को मेंटेन करके रखे हुए हैं। पर हम भी कभी कभी सोचते हैं कि इंडियन टीम्स इन चीजों में नजर क्यों नहीं आती, सिर्फ क्रिकेट 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 क्रिकेट। नेशनल गेम हॉकी है, उसमें इतना ज्यादा नजर नहीं आते, पर क्रिकेट का बहुत सवार है। तो इसके पीछे काफी सारे फैक्टर्स हैं। फिलहाल ये देश को मेडल तो चाहिए पर खेलने के लिए ग्राउंड नहीं देगा। हमारे यहाँ भी ग्राउंड पड़ा हुआ, एक वीडियो के अंदर मैं इसके अंदर बात की थी, ग्राउंड पड़ा हुआ पर उसके अंदर एंट्री अलाउड नहीं है। अगर हम लोग खेले तो कैसे खेले बताओ भाई। क्रिकेट तो हर जगह चलता है, देखते हैं हम लोग, तो गली में भी खड़े हो गए, वहां पर भी खेलने लगे, बॉल गई 50 रुपए ले आएंगे। पर फुटबॉल को गली में नहीं खेला जा सकता ना, अगर खेलेंगे किसी बच्चे उच्चे के लग गए तो हमारे पर तो FIR करवा देगा वो। खैर, बात करते हैं मूवी के बारे में। तो मूवी के अंदर एक पॉलिटिकल एंगल जो दिखाया गया वो ये दिखाया गया कि चमचा लोग किसे पीछे पड़ते हैं कि वो भूल जाते हैं कि हम चाहते क्या हैं या उनका मालिक क्या चाहता है। जैसे कि मूवी के अंदर एक बोस साहब दिखाए गए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, भारत बोस नाम ही उनका, मतलब बंगाली होते हैं, उनकी खून के अंदर फुटबॉल दौड़ रहा होता, पर उनके जो है रहीम साहब है उनसे बन नहीं रही होती। वो नहीं चाहते कि रहीम साहब कैसे भी करके इंडियन टीम को कोच करें, पर वो ये चाहते हैं कि इंडियन टीम मेडल लेकर के आए, जीत जाए, फाइनल कप उठा ले। तो वो जो बोस साहब है, मतलब वो जो बंगाली सर दिखाए गए हैं मूवी के अंदर, वो दिखाते हैं कि इसको क्वालिफाई मत करवाओ, इंडिया की टीम वहां पहुंचे ही ना। वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट से बोल करके सारा का सारा खर्चा ही कम करवा देते हैं कि इस टीम को अब इंडिया जो है वो वहां खेलने के लिए भेजी गई नहीं। अब चमचे लोगों को लगता है कि कैसे भी करके इंडिया टीम जीतनी नहीं चाहिए, पर एक्चुअली में जो बोस साहब हैं वो टीम के खिलाफ थोड़े ना है, वो ये थोड़ा ना चाहते हैं कि टीम जीते ना या इंडिया मेडल ना उठाए, वो ये थोड़ा ना चाहते, वो सिर्फ रहीम साहब से अपनी पर्सनल खुन्नस निकालना चाहते हैं। पर चमचे लोग क्या है, चमचे लोगों को तो ये चीज़ में पड़ जाते हैं कि इंडिया जीते ही नहीं। तो वो ऐसे करके एंगल दिखाया गया, वो काफ़ी अच्छी तरीके से इस मूवी के अंदर रिप्रेजेंट किया गया, बहुत अच्छा लगा। मूवी 250 करोड़ के बजट में बनी है, काफ़ी समय लगा मूवी बनने में, और आपको नज़र आएगा कि यार कहाँ 250 करोड़ खर्च कर दिया, पर एक्चुअली में इतने सारे लोग जो ग्राउंड वगैरह सब कुछ दिखाया गया, ये ऐसे थोड़ी ना बन जाता है, तो इसमें भी सारा खर्चा आता है और काफ़ी रियलिस्टिक तरीके से इस चीज़ को दिखाया गया। वैसे मेरा मानना ये है स्पोर्ट्स के नज़र से कि अगर हम लोग सभी लोगों को ऐसे इक्वल मौका दें, चांस मिले, तो कहीं ना कहीं इंडिया नंबर वन पोजीशन के ऊपर रिप्रेजेंट करेगा सभी लोगों, क्योंकि पॉपुलेशन इतनी है और टैलेंट भी बहुत है। पर एक्चुअली में क्या है ना, जो अच्छा थ्रो कर सकता है वो हथौड़ा चला रहा है कहीं, उसको कभी जिंदगी में थ्रो करने का मौका ही नहीं मिला। जो टाउन लेवल विलेज लेवल के ऊपर पैसा आता है स्पोर्ट्स के नाम पर, वो कोई ना कोई खा जाता है, गायब, मिलता ही नहीं है। मैं डायरेक्ट एलिगेशन में लगा रहा हूँ कि भैया भ्रष्टाचार का तो है थोड़ा बहुत नहीं, कम्प्लीटली। आप लोग बताइए कि आपके एरिया में ऐसे कुछ स्पोर्ट्स कोटा नाम के कुछ आता है, कितने लोगों को मिलता है, कितने ग्राउंड हैं आपके पास में जो कि गवर्नमेंट के एफिलेटेड हो, अगर हो तो बताइए जरा। मतलब ऐसा समझिए, जब नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडल लेकर के आया तो कितने सारे लोग प्रोत्साहित करने के लिए आ गए कि भैया हाँ बहुत अच्छा किया, ये किया, कितनी सारी कंपनीज उनको फंडिंग देने लगी, एड्स मिलने लगे, ये हो गया वो हो गया। पर उससे पहले उनसे पूछे कि कौन से ग्राउंड पर जाकर के प्रैक्टिस करते थे, क्या उनके पास ग्राउंड था, क्या उनके एरिया में ग्राउंड था। सोचिए, एक विलेज के अंदर हमारा एक ग्राउंड खाली जगह पड़ी होगी, पट्टे पे जगह पड़ी होगी, ऐसे ही उठा देगी गवर्नमेंट, लेकिन देगी नहीं, इस नाम पे नहीं देगी कि भैया ये है तुम्हारा ग्राउंड, इस ग्राउंड पे आकर के जूझो, शाम को सुबह शाम खेलो, इस ग्राउंड की गरिमा को बढ़ाओ,
हम कह रहे हम नहीं बन जाएंगे यार, आने वाली नस्लों में से कोई बनेगा। अगर हम स्टार्ट करेंगे, पौधा अगर हम आज लगाएंगे तभी तो आकर जाके किसी को फल मिलेगा। दूसरा बंदा कभी उस ग्राउंड से तो निकलेगा, पर ग्राउंड ही नहीं है यहाँ, वॉलीबॉल के लिए ग्राउंड नहीं है, दूसरा कहाँ जाऊँ। फिलहाल यार मैं मूवी से भटक क्यों रहा, मैं हम बात कर रहे थे मूवी के बारे में, थोड़ा जज्बाती हो जाता है। फिलहाल मूवी हमको अच्छी लगी, मूवी के अंदर काफ़ी सारे मतलब अंदर से ये चीज़ उभर के आती है कि जज्बा क्या होता है, एंड बहुत अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है गरीबी को भी कि कैसे हालातों में इंडिया ने वो गोल्ड मेडल जीता और तब से लेकर के अभी तक नहीं जीत पाया, क्योंकि वो पॉलिटिक्स अभी भी कहीं ना कहीं चल रही होगी। इस पर आपका क्या विचार है, ये पॉलिटिक्स के ऊपर कि पॉलिटिक्स की वजह से स्पोर्ट्स आगे नहीं बढ़ पाते, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर छोड़ेगा। बाकी दोस्तों इस वीडियो के दाएँ थोड़ा सा कम जज्बाती होंगे, अगली बार हम ध्यान रखेंगे, पर बाय बाय बस।